कहते हैं वक्त का कुछ भरोसा नहीं होता, कब कहां कैसे पलटी मार जाए कुछ पता नहीं। ऐसे में मुसीबत की घड़ी से अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस को खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखिए इस रिपोर्ट में। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के दौरान आमतौर पर लोग सजग नहीं रहते। कुछ लोग एजेंट के कहने भर से बिना रिसर्च किए कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सही पॉलिसी का चुनाव ही जरूरत के समय लाभदायक साबित होता है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। हेल्थ केयर पॉलिसी को बड़ी जांच परख के बाद ही खरीदना चाहिए, क्योंकि कुछ पॉलिसीज में कुछ चुनिंदा बीमारी शामिल नहीं होती। सभी सब लिमिट्स को जानने के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से पढ़े जाने चाहिए। कई इंश्योरेंस पॉलिसी में सब लिमिट्स होती हैं, जो कि सर्जरी, कमरे का रेंट और आईसीयू स्टे से जुड़ी होती है। जैसे कुछ पॉलिसी में स्पष्ट होता है कि एक तय सीमा से ज्यादा का रूम रेंट रिम्बर्स नहीं होगा। हर एक हेल्थ प्लान में एक सम एश्योर्ड लिमिट होती है, जो कि पॉलिसी धारक के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। इस सम एश्योर्ड को क्लेम करने की तय सीमा एक साल तक की होती है। अगर सम एश्योर्ड से ज्यादा का खर्चा आता है तो पॉलिसी धारक को खुद देना पड़ता है। लेकिन अगर आपने हेल्थ प्लान रेटोरेशन बेनिफिट के साथ लिया हुआ है तो इंश्योरेंस सम एश्योर्ड को रिस्टोर करके रख देगा, ताकि अगर उसी साल में फिर से पॉलिसी धारक बीमार होता है तो सम एश्योर्ड मिल जाएगा। हेल्थ पॉलिसी डॉक्यूमेंट में अस्पतालों के पास उनके कोऑर्डिनेटर्स की एक लिस्ट होती है। पॉलिसी धारक को इस लिस्ट को ध्यान से पढ़ना चाहिए, साथ ही ये देखना चाहिए कि आपके घर के आसपास कौन कौन से अस्पताल हैं। अलग अलग कंपनियों के प्लान की तुलना करके देखें कि ज्यादा प्रीमियम कौन दे रहा है। हमेशा विश्वसनीय इंश्योरर का ही चयन करें। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना सभी के लिए जरूरी है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं, बल्कि अच्छे से जानकर और परख कर, वरना ये आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों पर बुरा असर डाल सकती है। अर्पणा दुबे, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।